आप चाहते हो कि कुछ भी इंग्लिश में टाइप करो और वो हिंदी में लिखाता जाए, तो ऐसा आप कर सकते हो एक ऐप है जिसकी मदद से। अरे मेरा अब तक का फेवरेट ऐप है। तो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले प्ले स्टोर में आना है और इस ऐप को अपडेट कर लेना है, जी बोर्ड द गूगल कीबोर्ड। अब इस कीबोर्ड को किसी टाइपिंग वाले पेज पे ओपन कर लेता हूं। तो चलिए क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया हमने, यहां पे टाइपिंग भी पूरी ओपन हो चुकी है। अब इस कीबोर्ड के ऊपर जो क्यूब दिख रहा है उस पर क्लिक करोगे, उसके बाद यहां पे नीचे आपको मोर का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना। उसके बाद यहां देखो लैंग्वेज दिखेगा, लैंग्वेज पे क्लिक करोगे तो यहां पे ढेरों लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहां से आपको हिंदी और जो जो लैंग्वेज आपको पसंद है टाइपिंग करना, वो लैंग्वेज को यहां से डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करके इन्हें आप ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद बैक आ जाना और यहां कीबोर्ड हमारा ओपन है, तो यहां स्पेस वाला जो ऑप्शन है उस पे 2 सेकंड के लिए दबा के रखोगे तो यहां आपको काफी सारे लैंग्वेज देखने को मिल जाएंगे। नीचे थोड़ा आना और यहां पे हिंदी वाला जो लैंग्वेज दिखेगा उस पे क्लिक कर देना। उसके बाद इंग्लिश में आप कुछ भी टाइप करोगे वो यहां पे हिंदी में लिखा हुआ आएगा। और फिर से नॉर्मल करना हो तो फिर से स्पेस वाले ऑप्शन पे दबा के रखना 2 सेकंड के लिए और इंग्लिश इंडिया पे क्लिक करना, फिर से आपकी कीबोर्ड है वो नॉर्मल हो जाएगी।